नमः शिवाय। आज के जन्म में जातक पुनर्वसु नक्षत्र में पैदा होंगे, जिनके राशि स्वामी स्वयं बृहस्पति देव हैं। ऐसे जातक ज्ञानी, न्यायप्रिय, ईमानदार, महत्वाकांक्षी, धार्मिक, आज्ञाकारी और बुद्धिजीवी होते हैं। प्रशासनिक क्षमता इनके अंदर भरी हुई रहती है। यदि सहयोगी लग्न रहा तो ऐसे जातक आदरणीय और पूर्ण सफल होंगे। आज शाम तक तो चंद्रमा मिथुन राशि में रहेंगे, लेकिन रात्रि में चंद्रमा कर्क राशि में चले जाएंगे। चूंकि कर्क राशि में राहु पहले से ही बैठे हुए हैं, इसलिए मानसिक चिंता, मानसिक भ्रम, अवसाद की स्थिति के लक्षण महसूस होने लगेंगे। भावना प्रधान होना आपके शारीरिक और मानसिक दोनों स्तर को प्रभावित करेगा। धर्म और आस्था में कमी महसूस करेंगे और हर काम में थोड़ी अड़चन महसूस होगी। दिन की अपेक्षा रात का समय मन को ज़्यादा उद्वेलित करेगा। दिन भर का माहौल आपके व्यावसायिक और आर्थिक पक्ष को अनुकूल रखेगा। शाम का समय थोड़ा चिंताग्रस्त महसूस होगा, फिर भी सरकारी पक्ष अनुकूल रहेगा। प्रयास सार्थक होंगे, भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे, मगर साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना जरूरी रहेगा। सामान गायब होने का या चोरी होने का अंदेशा बना हुआ है, सावधानी अपेक्षित है। आज चंद्रमा का परिवर्तन आपके लिए आर्थिक पक्ष को मजबूत करेगा। अचानक धन लाभ की स्थिति बनेगी, आपकी कार्यशैली अद्वितीय होगी। आध्यात्मिक सहयोग साथ ही साथ अधिकारी वर्ग अनुकूल रहेंगे। वाद विवाद या न्यायालय संबंधी मामलों में अनुकूलता बनी रहेगी। व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण निर्णय लेने का योग बना हुआ है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज अच्छे कामों में खर्च और प्रवास की स्थिति बनी हुई है। अचानक कहीं यात्रा का योग बन सकता है। आपकी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास आर्थिक पक्ष को मजबूत करेंगे। संतान के प्रति आज आश्वस्त रहेंगे, विरोधी दबे हुए रहेंगे। न्यायालय संबंधी कार्यों में अनुकूलता मिलेगी। परिवार में खुशी और जश्न का माहौल महसूस होगा। छोटी छोटी खुशियों को एंजॉय करने की कोशिश करें। शिवलिंग पर जलाभिषेक करें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। आज अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मानसिक रूप से भावावेश में न आवें। अपनी कार्य क्षमता को अपने निर्धारित लक्ष्य में निवेश करें। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। कुछ अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। गृहोपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। प्रयास सार्थक होंगे, मन की एकाग्रता को कायम रखें। वाद विवाद या न्यायालय से संबंधित कार्यों में अनुकूलता बनी रहेगी। शाम का समय थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। केले के पौधे में जल डालें और सूर्य देव को अर्घ दें। स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बढ़ सकती हैं, कुछ एलर्जी की समस्या हो सकती है। संतान के प्रति चिंता बनी रहेगी। आर्थिक और व्यावसायिक दृष्टिकोण से समय अनुकूल है। मानसिक उलझन में समय खराब ना करें। आपके प्रयास सार्थक होंगे। शाम के बाद का समय थोड़ा उलझन भरा हो सकता है। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। धार्मिक अनुष्ठान और मांगलिक कार्यों में व्यस्त रहेंगे। पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। संजोगवश आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष में अनुकूलता मिलेगी। मन कुछ अनावश्यक दुश्चिंताओं से भरा रहेगा। हर काम के प्रति छिद्रान्वेषी न बने। आपकी कार्य क्षमता प्रभावित होगी। ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करें और गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं। मानसिक उलझन और निर्णय लेने की क्षमता में अभी उतार चढ़ाव बना रहेगा।
काम करने में नकारात्मक विचार को हावी ना होने दें। आर्थिक और व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। हर काम में व्यवधान आ सकता है। घर गृहस्थी पर खर्च की स्थिति बनी हुई है। मित्रों और बंधुओं से सहयोग मिलता रहेगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। वाणी में कटुता ना लाएं। नुकसान का अंदेशा बना हुआ है। वाद विवाद से बचें। आर्थिक रूप से दिन सामान्य रहेगा। मानसिक दबाव की वजह से अपनी सक्रियता को कम ना करें। काम में रुकावट और अनावश्यक विवाद की स्थिति बनी हुई है। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। आज हर काम धैर्य के साथ करें। मानसिक दबाव और व्यग्रता बढ़ी हुई रहेगी। जल्दबाजी में कोई महत्वपूर्ण निर्णय ना लें। शासन सत्ता और अधिकारियों का सहयोग बना हुआ है। आर्थिक मामलों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। फिर भी कुछ काम आपके अधूरे रह सकते हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। गाय को घी लगी हुई रोटी खिलाएं और ओम नमः शिवाय का मानसिक जप करते रहें। अपनी कार्य क्षमता का भरपूर लाभ उठाएं। कार्य व्यवसाय में रचनात्मक सुधार महसूस होगा। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। न्यायालय या वाद विवाद संबंधी मामलों में अनुकूलता मिलेगी। परिवार व संतान के प्रति अच्छे कामों में खर्च की स्थिति बनी हुई है। आर्थिक उन्नति का दौर चल रहा है। प्रयास करें, सफल रहेंगे। आपकी राशि से पांचवें राहु चल रहे हैं। अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दें। आपकी कार्य क्षमता में उतार चढ़ाव बना रहेगा। सक्रियता प्रभावित रहेगी। फिर भी राजकीय सहयोग बना हुआ है। भाग्यवश कुछ काम अच्छे होंगे। व्यावसायिक पक्ष सामान्य रहेगा। संतान संबंधी चिंता बनी रहेगी। शाम तक सब अनुकूल हो जाएगा। केले के पौधे में जल डालें और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः का मानसिक जप करते रहें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं। ओम नमः शिवाय।